हेलो दोस्तों, आज का आपका थर्ड सेमेस्टर फीटर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ, जो इस प्रकार का आज क्वेश्चन पेपर आया था। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई टू पार्ट्स का फ्री हैंड स्केच बनाना था, जैसे एक्मे थ्रेड, रैक फाउंडेशन बोल्ट, लैथ सिंगल टूल पोस्ट, फ्लैट काउंटर संक, हेड रिवेट का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ड्रा सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट प्लेट थिकनेस 36 mm। और या ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, तो उसके अथवे में आया था गियर नोमे क्लेचर, मतलब नामांकित चित्र बनाना है गियर का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर द गिवन आर्थोग्राफिक्स ड्राइंग। तो जो आर्थोग्राफिक्स ड्राइंग दी हुई है, उसको देखकर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है थर्ड तक की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिया है, ड्रा द टू व्यूज ऑफ द गिवन फ्लैंज एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें जो यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, ये नॉर्मली फ्लैंज कपलिंग का डायग्राम है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू साइड व्यू दिया है। तो इसको देखकर आपको बताना है कि किस टाइप में इसकी जो आंसर है ये दिखाए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द फ्लैंज। सेकंड है, हाउ मैनी 16 होल्स आर देयर। थर्ड है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पीसीडी। और फोर्थ है आपका, व्हाट इज़ द फ्लैंज थिकनेस। इस टाइप के चार क्वेश्चन हैं, तो इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, उसका जो आर्थोग्राफिक्स व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है, तो उससे एक इस टाइप का एक आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। तो इस टाइप में आपको आइसोमेट्रिक व्यू को तैयार करना था। और आइसोमेट्रिक व्यू जो है, ये एक प्रकार से की है, जिसे अपन गिव हेड की कहते हैं, उसी का उसने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिया था। तो इस टाइप में आपको ये बनाना था। अगला है आपका गियर नोमेनक्लेचर, मतलब गियर का नामांकित चित्र। इस टाइप में आपको गियर का नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें से आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से किन्हीं दो को करना था। तो इसमें दिया है एक्मे थ्रेड, तो एक्मे थ्रेड का जो है 29 डिग्री का एंगल होता है, तो इस टाइप में एक्मे थ्रेड को तैयार करनी थी। फिर दिया था डी नंबर में, फ्लैट काउंटर संक हेड। तो फ्लैट काउंटर संक हेड में जो है, ऊपर का जो डायमीटर होता है संक का, 2D होता है, इसको 90 डिग्री पर झुका दिया जाता है। नीचे का डायमीटर D होता है, उनके बीच का कोण जो होता है 120 डिग्री होता है। इस टाइप का ही क्वेश्चन करना था। फिर क्वेश्चन इसका आंसर है ए नंबर का 150 mm, और बी नंबर का है कि इसमें होल की संख्या कितनी है। तो फोर होल है, और इसमें जो फिगर है उसके अनुसार यदि हम देखते हैं, तो फिगर में जो दर्शाया गया है उसी में लिखा था कि फोर होल्स ऑन 116 PCD। तो यदि हम उसके अनुसार देखते हैं, तो VCD का मान 116 mm है, लेकिन यदि हम एक डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, तो उसका जो है PCD का मान है 80 mm, ठीक है। और थिकनेस हमको इस टाइप में निकालनी है, जो 80 का डायमीटर दिया था, उसमें से 60 के डायमीटर को माइनस कर देना है, 2 का डिवाइडेशन कर देना है, तो 10 मीटर जो है। टेन मीटर का जो थिकनेस है वह हमारी निकल जाती है, जिसमें से जो थिकनेस है वह हमारी 80 और 60 डायमीटर को माइनस करने के बाद आती है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये इस क्वेश्चन में दिखाया गया है, जैसे ये D1 पॉइंट दिया है, PCD और बोल्ट। तो ये जो D1 है, इसके अनुसार यदि हम देखते हैं, तो उस डायग्राम का जो आंसर है वो 80 होना चाहिए, इसलिए हमने उसमें लिखे है कि विथ डायग्राम प्रूफ। क्वेश्चनों का जो आंसर दिया है उसके अनुसार इसमें 80 mm होनी चाहिए इसका डायमीटर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन दिया है रैक फाउंडेशन वोल्ट। यदि आपको ए और डी नहीं बनाना था, और बी और सी यदि आपको बनाना था, तो उसमें रैक फाउंडेशन वोल्ट को इस टाइप का बनाकर आप तैयार कर सकते थे। फिर आपका दिया है लैथ मशीन का सिंगल टूल पोस्ट। तो इस टाइप में आपको सिंगल टूल पोस्ट को तैयार करना है। तो इस टाइप का आपका यह क्वेश्चन पेपर था। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में यदि आपका गियर नामांकन चित्र नहीं बनाना है, और आपका दी जो आया था सिंगल स्ट्रेप चैन रिवेटेड बट जॉइंट सिंगल रो में बनाना था, तो इसमें जो प्लेट की थिकनेस थी, तो प्लेट की थिकनेस आपको 36 mm की लेना था। तो इस टाइप का आपका जो है,
ईडी का जो पेपर है बहुत ही अच्छा आया है, और आप लोगों ने अच्छा क्वेश्चन पेपर भी तैयार किया है, तो इस टाइप में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये जो है हमारी गैसिंग के अनुसार ही यह पेपर अच्छा निकाला गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का अच्छा पेपर गया होगा।